हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे थ्री रीजंस फॉर अदानी विल्मर फॉल। अदानी विल्मर आज क्यों गिरा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर मंडे के लिए, जो कि वन डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में आपको हेल्प करता है। आज मार्केट क्रैश हुआ पर एक भी जैकपॉट शेयर गिरा नहीं, यही है जैकपॉट शेयर का कमाल, तो आप एक ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अदानी विल्मर में काफ़ी दिनों से तेज़ी चल रही थी और आज अचानक गिर गया। उसके तीन रीज़न है और तीन रीज़न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। आज का रेट था अदानी का जो कि अच्छा तेज़ी बना के आज 4-5% का करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। उसका नंबर वन रीज़न ये था कि मार्केट में आज वीकनेस था, गिरावट थी, उसके पैनिक में भी लोगों ने सेलिंग करना शुरू कर दिया। ये था प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग क्यों? क्योंकि 350 से नॉन स्टॉप जब ऊपर ही ऊपर जा रहा था, तो जो लोगों ने कम रेट में बाय किया हुआ था, तो मार्केट जब क्रैश होता है तो डर के मारे लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये पहला रीज़न था प्रॉफिट बुकिंग मार्केट क्रैश के कारण। दूसरा रीज़न ये था कि अदानी विल्मर का शेयर 50 DMA रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, आज उसको टच करके फिर से फॉल शुरू हो गया। 50 DMA का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, जब भी नई तेज़ी को तैयार होगा, तो 50 DMA का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया तो थोड़ा सा नीचे आ गया बिकॉज। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, मार्केट में ऐसी रूमर कई कई व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही थी कि अदानी विल्मर का जो अदानी ग्रुप का जो शेयर है वो अदानी ग्रुप बेचने की बात कर रही है विल्मर से, मतलब अदानी ग्रुप टोटली अपना जो शेयर है वो बेचने की बात कर रही है, उसके लिए बायर ढूंढ रही है, ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस शुरू हो गए, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं पैनिक हो गया लोगों के मन में डर के मारे कि अदानी विल्मर जो कि इतनी स्ट्रांग और पॉजिटिव कंपनी है उसमें से अदानी ग्रुप अपना स्टेक बेचने वाला है, बड़ा हिस्सा या पूरा ही एग्जिट करेगा, उसके लिए विल्मर से या स्टेट बैंक के तरफ से स्टेट बैंक के साथ में अलग अलग बायर्स से बात कर रहा है, ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप पे अलग अलग जो स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स है उसमें चले गए, उसके कारण भी पैनिक क्रिएट हुआ। बट बाद में कंफर्म करने के बाद पता चला है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए न्यूज़ फैलाई गई। और मार्केट आज क्रैश भी हुआ तो उसका डबल इम्पैक्ट हो गया जिसके कारण शेयर क्रैश हुआ। वैसे तो कोई निगेटिव न्यूज़ बड़ी कोई अदानी विल्मर में अभी नहीं है और अदानी ग्रुप कोई भी अपना स्टेक बेचने वाले नहीं है या विल्मर को नहीं हैंडओवर करने वाले कंपनी, ऐसा कंफर्मेशन तो कोई आया नहीं मार्केट से, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स होप कि मंडे को मार्केट पॉजिटिव रहा तो फिर से अपर जर्नी अदानी विल्मर में हमें देखने को मिल सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।